सिन्हा जी ने भेजा है और इनका सवाल है संवर्धना मदरसन पर। 386 स्टॉक्स हैं इनके पास और 133 की इनकी खरीद है। स्टॉक में इनको नुकसान काफी हो रहा है, अब 100 रुपए के नीचे भी जा चुका है संवर्धना मदरसन और 80 रुपए के आसपास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। 20,000 के से ज्यादा का इनको नुकसान भी इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। नितिलेश, आप ही सजेस्ट करिए, क्या चार्ट्स पर और कमजोरी दिखाई दे रही है आपको इस स्टॉक में? मैम एक बार स्टॉक का नाम लिख दीजिए। संवर्धन मदरसन, SMIL। चलिए जब तक नितिलेश चार्ट ढूंढ लेते हैं, हम सौरभ जी के पास चलते हैं। सौरभ, आप बताइए फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको इस कंपनी के? नुकसान इनको काफी हो रहा है, हालांकि स्टॉक चला काफी था, बट इस बीच हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में ही काफी समय से कारोबार कर रहा है कुछ रिकवरी करने के बाद में, लेकिन ये अभी भी नुकसान में ही है। तो आगे के फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं, आप होल्ड करने की राय देंगे इनको? देखिए कंपनी के नतीजे अच्छे आए थे, ओवरऑल ऑटो स्पेस, ऑटो एंसरी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ था, अभी आज से कुछ तकरीबन 1-2 महीने पहले कुछ एक इसमें शेयर होल्डर थे जिन्होंने काफी सेलिंग कर दिया था, तब ये स्टॉक 80-85 रुपए के आसपास था और वापस 60 रुपए के आसपास चला गया था। और कंपनी से जहां तक मुझे याद है क्लैरिफिकेशन यही आया था कि अगले 6 महीने तक कोई ऐसी सेलिंग आने का नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि एक वो ओवरहैंग जरूर बना हुआ है कंपनी के ऊपर, मार्केट में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सप्लाई और नहीं आ जाए, कहीं कोई शेयर होल्डर और माल ना बेच दे बाजार में, तो इसलिए मुझे लगता है कि शेयर में थोड़ा प्रेशर है। ओवरऑल ये स्पेस अच्छा है, ऑटो एसरी सेक्टर अच्छा है, कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, एवरेज की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने होल्डिंग को अभी अभी इसे होल्ड रखें। संवर्धन मदरसन को आप होल्ड